वेलकम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 7.5 KVA का जनरेटर। ये देख सकते हैं 7.5 KVA का जनरेटर है जिस पर 10 HP का इंजन लगा है और 7.5 KVA का अल्टरनेटर लगा हुआ है। अल्टरनेटर जो है वो सिंगल फेस का अल्टरनेटर है और फुल कॉपर बाइंडिंग का अल्टरनेटर है। और ये जो जनरेटर है वो वाटर कूल्ड जनरेटर है। ये देख सकते हैं, ये इस पर एक रेडिएटर लगा हुआ है जिसमें पानी डाला जाता है। ये जो जनरेटर है ये घर के लिए बेस्ट होता है। इस पर आप 1 HP का समरसेबल प्लस कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर, लाइट, पंखे सब कुछ एक साथ चला सकते हैं। और यदि इसकी डीजल खपत के बारे में बात करें तो लगभग 1 लीटर से 1.25 लीटर प्रति घंटे का ये डीजल लेता है। घर के लिए ये सबसे बेस्ट जनरेटर होता है। कम तेल में पूरा लोड उठाता है घर का ये। इससे आप चारा मशीन पर लगने वाली 3 HP की जो मोटर होती है उसको आसानी से चला सकते हैं। तो इसको अभी हम वेल्डिंग मशीन पर टेस्ट करेंगे, क्योंकि वेल्डिंग का जो लोड होता है बहुत ज़्यादा होता है। वो यदि उस पर चल जाता है तो ये घर का सारा लोड अच्छे से चलाएगा। जब भी आप जनरेटर खरीदें तो उस पर वेल्डिंग मशीन का लोड लगाकर देखें, क्योंकि यदि वेल्डिंग का लोड चला देता है तो इससे पता चलेगा कि हमारे जो वोल्टेज हैं अल्टरनेटर के वो भी ठीक हैं और जो अल्टरनेटर लोड ले रहा है वो भी सही ले रहा हो। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको। तो अभी आपने देखा, इस पर वेल्डिंग मशीन हमने टेस्ट की है। ये बहुत अच्छे से वेल्डिंग मशीन चला रहा था, इसमें कोई ज़्यादा धुआं नहीं था और वेल्डिंग की रोड जो है वो बहुत ही अच्छे से जल रही थी। तो अभी हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये घर का सारा लोड बहुत ही आसानी से चला सकता है।